हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर एमसीक्यू सीरीज़। सो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी, क्योंकि गाइस देखिए, डिटेल में तो पढ़ा ही होगा आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। सो इसलिए हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया इस पर, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच अमोंग्स द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट ए सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। सो गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, इस सीरीज़ का पार्ट वन है। तो आगे भी ऐसे ही आपको सीरीज़ मिलती रहेगी 1857 से लेके 1947 तक, क्योंकि जो JKSSB की पोस्ट हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और असिस्टेंट कंपाइलर में, एक टॉपिक दिया गया है आपको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। सो इसके लिए आप के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो उम्मीद है कि आप सबको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमोंग्स द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट ए सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो गाइज, आप अपना आंसर मार्क कर लें, तो उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। करेक्ट आंसर है इसका जयपुर। उम्मीद है कि आप सब ने आंसर दिया होगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज ए नेशनल रिवॉल्ट। सो गाइस, आप इसका आंसर पेनेटिक कर ले, तो उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, जितने एमसीक्यूज लगाओगे आप, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि डिटेल में तो पढ़ा है आपने 1857 रिवॉल्ट। तो इससे आपको भी अपने आप का पता चल जाएगा, एनालाइज करोगे अपने आप को कि क्या हम एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा, हु कैन बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो मार्क कर लीजिए आप इसको। तो जितने भी होते हैं आपके आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि 10 में से आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है आज इस सीरीज़ का, हिस्ट्री का। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हु कैन बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसका आंसर आप मार्क कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बहादुर शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द स्पाई म्यूटिनी। इसका तो उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आप इसका आंसर मार्क कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास चित्तौड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक क्वेश्चन मैंने मैच द फॉलोइंग भी डाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप मार्क कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आप इसका। रानी लक्ष्मीबाई झांसी करेक्ट है, बहादुर शाह दिल्ली करेक्ट है, तांतिया टोपे कानपुर करेक्ट है, हजरत में लखनऊ करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, कंवर सिंह लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बिहार। कंवर सिंह ने बिहार में लीड किया था रिवॉल्ट जो हुआ था 1857 में। तो ये सब थे जिन्होंने लीड किया था रिवॉल्ट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपने, आप मार्क कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वी डी सावरकर करेक्ट आंसर है, जो लिखी थी इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सुप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ झांसी। इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर है
हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो गाइस ये आज की इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए आप, इसका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। तो ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये पसंद आएंगे आए होंगे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें और आपके लिए इसी तरह से अच्छे MCQs लाते रहें। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस।